इमाम आली मकाम की शहादत के बाद यजीदियों ने खेमे अतहर का सारा सामान लूट लिया और खेमे को जला डाला और अपने साथियों को तो दफन कर दिया और तमाम शहदाए अहले बैत के सर को काटकर उनकी मुकद्दस लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदकर उनकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर डाला और उन मुकद्दस लाशों को बेगौर कफन छोड़कर और तमाम शहदाए किराम के सरों को नीज़ों पर चढ़ाकर करबला से कूफा और कूफे से दमिश्क तक गश्त कराया और फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कूफे के गवर्नर हाउस को आरास्ता किया और दरबार आम मुनाकद करके और हज़रत इमाम हुसैन के सर अकदस को अपने तख्त के नीचे रखा और बेअदबी की और फिर शिमर ने अपने साथियों के साथ इन मुकद्दस सरों को यजीद के पास दमिश्क भेजा। यजीद ने सरे मुबारक और अहले बैत को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हमराह में मदीने मुनव्वरा रवाना किया। इमाम आली मकाम की शहादत के बाद यजीद बिल्कुल ही बेलगाम हो गया और इसके ज़ालिमाना दौरे हुकूमत में ज़ुल्म सितम और बदअमली से खुदा की ज़मीन बिलबिला उठी। ज़िना, सूद, शराबखोरी, हरामकारी की हर तरफ गर्म बाजारी हो गई। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की पाबंदियाँ उठ गई और मज़हब इस्लाम की बेहरमती होने लगी। इस फिरौन ज़माना की सरकशी और शैतानियत इस हद तक बढ़ गई कि 63 हिजरी में इसने मुस्लिम बिन उकबा को 12,000 या 20,000 लश्कर का सिपह सालार बनाकर मदीने तैयबा पर चढ़ाई का हुक्म दिया और इस लश्कर ने रसूल पाक के दरबार और मदीने मुनव्वरा के कूचे और बाजार में तूफान बरपा किया कि जिसको देखकर कुफार भी शर्मसार हो जाएं। इन जालिमों ने 700 सहाबा को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद किया और दूसरे आम मुसलमानों को मिलाकर 10,000 मोमिनों को जिबह कर डाला। इन शैतानी फौजदारों ने मस्जिद नबवी के सुतूनों में घोड़े बांधे और अहले मदीना के साथ ऐसी ऐसी बदतमीजियां की कि उनके तसव्वुर से ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर यही तगूती लश्कर मक्के मुकर्रमा पर हमला आवर हुआ। रास्ते में अमीर लश्कर मर गया तो दूसरा सिपह सालार मुकर्रर हुआ और इन शैतानों ने काबे मुअज्जमा पर संगबारी की और हरम शरीफ में नजासत फेंकी, माज़ल्लाह। फिर काबा मुअज्जमा में आग लगा दी जिससे गिलाफे काबा और छत जल गई और काबे के तमाम तबर्रुकात को जला डाला। इन्हीं तबर्रुकात में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में कुर्बानी किए हुए दुम्बह के सींग भी जल गए जो सैकड़ों सालों से काबे में बतौर तबर्रुकात रखे हुए थे। कई दिनों तक काबा बेगिलाफ रहा और मक्का शरीफ के बाशिंदे सख्त मुसीबतों में मुब्तला रहे। आखिरकार यजीद पलीद कहरे इलाही और गजबे जब्बार में गिरफ्तार हुआ और 3 साल 7 महीने तक हुकूमत करने के बाद 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को 49 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के शहर हमास में किस्म किस्म की बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हो गया। यजीदी फ़ौज को जब अपने अमीर की मौत का पता चला तो जलीलो ख़ार होकर मक्के मुकर्रमा से फ़रार होने लगे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की फ़ौजों और बाशिंदेगाने हरम ने इन सितमगरों को कुत्तों और चूहों की तरह ढूंढ ढूंढ कर मार डाला।